नोटबुक करने करना है। हाँ जी, अभी कहीं नहीं करना है, बता दूंगा कहाँ करना है। म्यूट रखिए अपने आप को। द नेम ऑफ योर नेक्स्ट चैप्टर इज फ्रैक्शन। अब अपनी बुक में देखिए लिखा क्या लिखा है। अ फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में दो चीजें आपने याद रखनी है, क्या क्या, एक न्यूमिरेटर, नेक्स्ट वन इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड नेक्स्ट वन इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? द नंबर रिटन अबव द बार इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द नंबर रिटन बिलो द बार इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। फोर हमारे पास नंबर है, 3/4, ये है बेटा फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। जो लिखी है फ्रैक्शन में लिखा है 3, इसको बोलते हैं अपॉन 4। इसे सुन लो, थ्री वन हंड्रेड थर्टी टू ऑफ डिस्कवरिंग। देखिए रिफ्रैक्शन है 3/4। अब बोला है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? द नंबर रिटन अबव द बार, इसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, द नंबर रिटन अबव द बार, बार के ऊपर क्या नंबर लिखा है? 3, 3 इज न्यूमरेटर। एंड डिनोमिनेटर क्या होता है? द नंबर रिटन बिलो द बार, बार के नीचे नंबर लिखे, दैट इज 4, और इज डिनोमिनेटर। अपर टर्म को न्यूमरेटर बोलते हैं और लोअर टर्म को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? देखिए प्रैक्टिस जोन वन निकालनी है, नेक्स्ट पेज में 134 61। बेटा अपने आप को अनम्यूट क्यों कर रहे तुम? अब प्रैक्टिस जोन वन देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। सर प्रैक्टिस जोन वन किसमें करना है? नोटबुक में ओके सर। क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। सर ध्यान से देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। सर पेज नंबर है 134। अनम्यूटेड आद्विक एंड अक्षित जिमान, क्या दिक्कत है? कॉपी में करना है, पेयर नोटबुक में। एक्स ए पार्ट इज 3/4। अब आपने इसमें न्यूमिनेटर भी लिखना है और डिनोमिनेटर भी लिखना है। अभी हमने डिस्कस किया अपर टर्म इज नोन एज न्यूमिनेटर एंड लोअर टर्म इज नोन एज डिनोमिनेटर। क्या न्यूमिनेटर है इसमें बताएगा कोई? सर थ्री थ्री डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर चार फोर चार फोर चार फोर चार फोर। इजी है, इजी है, यस सर। इजी बेटा, ये कीजिए जरा इसके प्रैक्टिस जोन वन के टेस्ट पार्ट्स, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। प्रैक्टिस जोन वन के पार्ट्स कीजिए।
कहीं डाउट होगा तो पूछना। और बीच में अनम्यूट कोई नहीं होगा बिना मतलब से। सर ये कॉपी में लिखना है। हाँ जी सर, नो स्क्रीन बिजी। सर नो स्क्रीन विजिबल। उसने भी मक्कर डू इट फास्ट। फोन अनम्यूट है। सुहानी आशना रजिस्ट्रेशन नंबर 2411 व्हाट आर यू डूइंग। Do it fast, do practice on one. इसको समझ में नहीं आई है, I am doing B part also. B part देखना है. A upon 22. म्यूट रखिए आपको. ये आप क्या पढ़ा रहे हो? We are discussing practice on one of chapter number 11. Time से क्लास ज्वाइन किया करो. बी पार्ट है 8/22। अपर टर्म जो होती है दैट इज न्यूमरेटर एंड लोअर टर्म दैट इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है यहाँ पे एट एंड डिनोमिनेटर है इज ट्वेंटी टू। राइट डाउन पेन नोटबुक में लिखना है। हाँ जी नौ स्क्रीन विजुअल्स।
sun or screen. Sun or screen share. बेटा सिर्फ आपको स्क्रीन में ही दिख रही है सर, नो स्क्रीन। मैंने आपको काम दिया है करने को। कर लिया आ रहा हो आपने? कर ली प्रैक्टिस जोन वन? सर अंशुल जल्दी नहीं करता है। Anshul, do it fast. Just send me thumbs up if you have done. जल्दी कीजिए। सर बाकी हमने करने हैं। हाँ जी कीजिए कीजिए जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए। I have done so. बेटा just send me thumbs up if you have done. Those who have not done, they will do it fast.
सर मानिए कचा कर लो। सर नो स्क्रीन सर आई हैव डन बेटा जस्ट सेंड मी थम्स अप इफ यू हैव डन सर नो सर नो स्क्रीन हरी अब हरी अब ऑल विल डू इट फास्ट आई हैव डन hurry up, do it fast, everyone. सर जी तन्विका हो गया आप चेक कर लो Sir, I have done. Beta, just send me thumbs up if you have done. सर आई हैव डन कितनी बार बोला बोलना नहीं है तो अपने आंसर चेक करने सबने सी पार्ट है 3/10 तो 3 विल बी न्यूमरेटर एंड 10 विल बी डिनोमिनेटर डी पार्ट है 1/6 तो 1 इज numerator and 6 is denominator.
ई पार्ट है 12/24, तो 12 न्यूमरेटर है हमारे पास और 24 इज डिनोमिनेटर। एफ पार्ट है 17/20, 17 हेयर इज न्यूमरेटर एंड 20 हेयर इज डिनोमिनेटर। उसके बाद है जी पार्ट 13/19, तो 13 इज न्यूमरेटर एंड 19 इज डिनोमिनेटर। एच पार्ट है 25/29, 25 इज न्यूमरेटर एंड 29 इज डिनोमिनेटर। Those who have not done, they will do it fast. And those who have done, they will do question number one of observation. Open your observation book and do question number one of chapter number 11. Sir, page number क्या है? क्यों आपके पास बुक नहीं है? हर चीज बतानी पड़ती है आपको सर। निकालिए अपनी ऑब्जर्वेशन बुक सर, पेज नंबर। इतना पता होगा तो आपको ऑब्जर्वेशन का पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आप ऑब्जर्वेशन का पार्ट टू निकालेंगे और ऑब्जर्वेशन पार्ट वन गुम नहीं करना है, संभाल के रखना है। आई विल चेक सर, ये ऑब्जर्वेशन का जो है वो भी हमने खुद ही करना है। हाँ जी, कीजिए क्वेश्चन नंबर वन ऑब्जर्वेशन का। कार्तिक का डांस हो गया है। जल्दी कीजिए सर, फर्स्ट हो गया, सेकंड का बता दो। अब मेरा भी फर्स्ट हो गया है सर। एक्सक्यूज मी सर, मेरा पार्ट नंबर वन हो गया सर। सर, आई हैव डन ऑब्जर्वेशन का 11 स्टेप। Sir, may I go to toilet?